प्लीज, जेल को काला पानी की सजा ही कहा जाता है, आप सबको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ एक बार जो आ गया उसका यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। या तो वो सीधा ऊपर जाएगा, और यहाँ से भागना तो संभव ही नहीं, क्योंकि आप भाग के कहाँ जाओगे। संभव नहीं था भागना, क्योंकि अगर आदमी भाग भी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि चारों तरफ जो है ये पानी ही पानी है, समुद्र है, और बीच में जेल बनाई गई है। अंग्रेजों ने बहुत चुन के, बहुत पड़ताल के, बहुत सोच समझ के जेल का निर्माण करवाया गया होगा, लेकिन आज ये जेल जो है टूरिस्ट स्पॉट के नाम से विख्यात है, जानी जाती है। और इस जेल के अंदर जो जितने भी कालकोठरियाँ हैं, जितने भी यहाँ पे सेक्शन बनाए गए हैं, उन सभी को रेनोवेट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ बारिश के कारण और कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स के कारण जो है ये इनके प्लास्टर जो जितने जा रहे थे। इस जेल की खासियत है कि इस जेल में किसी प्रकार का सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, पूरी जेल जो है वो पत्थर से बनी है, और उस समय पर जो अलग अलग जुड़ाई के लिए जो है अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें सीमेंट कतई नहीं थी, तो इसलिए अब इस जेल को और लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, चल सके, इसलिए इसको रिनोवेट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी जेल के अंदर जो है रिनोवेशन का काम लगभग पूरा हो रहा है, कुछ कुछ जगहों पर चल भी रहा है। ये जेल आप देखेंगे, और इसकी खासियत मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसे लॉक करने के लिए यहाँ पर ये जो हम कुंडी लगाते हैं नॉर्मली घरों पर, तो ये कुंडी यहाँ से जाती है उधर सामने जाके, यहाँ ताला लग के लॉक हो जाती है, यानी कि सब कुछ मतलब, जो है बाहर से है, अंदर से कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ से ताला तोड़ना, तोड़ के भागना कुछ भी संभव नहीं है, ये सारा कुछ यहाँ से हो रहा है। आप ये सलाखें देखिए, ये सलाखें जो है आज भी इतने साल बाद जो है कितनी मजबूती से है, आप इनको हिला भी नहीं सकते। ये दरवाजा हिलाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिलहाल बस रिनोवेशन के कारण जो है कुछ इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा प्रभावित हुई हैं, लेकिन आज जेल जो है टूरिस्ट स्पॉट बन गई है, और लाखों लाख लोग जो है हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं और इस जेल को जो है देखते हैं। यह जेल उस समय बनाई गई थी जब कैदियों को ऐसी सजा दी जाती थी कि वो जो है यातनाओं से भरपूर रहे, और वही जेल जो है इस वक्त हम यहाँ खड़े हुए हैं, वह जेल है। आप देख सकते हैं सिर्फ हवा आने के लिए एक पीछे बाउंसर से तीन चक्का एक छोटी सी खिड़की है, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि आपको पूरे टाइम फुल टाइम से जेल गुजारना है। आप सोच सकते हैं कितनी यातनाएं, और तब की बात है जब 1800 की सदी के आसपास की बात है, और उस टाइम पे उन लोगों को यहाँ रखा जाता था, वीर सावरकर को भी यहाँ पे रखा गया था, एक कमरा ऊपर है जहाँ थोड़े दिन में चलते हैं। सेलुलर जेल अगर आप देखने आ रहे हैं, आप जो है अगर इस कोठरी पे नहीं आए तो आप साथियों से महरूम हो जाएंगे। आइए चलते हैं इस कोठरी की जगह। कोठरी को देखिए आप, ये कोठरी जो है बामुश्किल से 10 फीट लंबी और 5 से 5.5 फीट चौड़ी होगी, और यहीं पर जो है वीर सावरकर, इनकी तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, इन्हें यहाँ पर बंद किया गया था, इन्हें यहाँ पर रखा गया था। भारत से कितने हजार किलोमीटर दूर यहाँ पर उन्हें लाकर यातनाएं दी जाती थी, क्योंकि ये तमाम लोग जो है वो फ्रीडम फाइटर कहलाते थे, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो मुखरता है, वो आम जनों तक पहुंचे और आम लोग जो है इनके मार्ग पर चले। इसीलिए इस जेल का निर्माण करवाया गया था, जो समुद्र के रास्ते से यहाँ पर कैदियों को लाया जाता था, फ्रीडम फाइटर को लाया जाता था और यहाँ रखा जाता था। विनायक दामोदर सावरकर, इनका जन्म 28 मई 1883 में हुआ, और इनका निधन 26 फरवरी 1966 में, यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक, यहाँ पर जो दर्द है उसके मुताबिक 10 साल 1911 से लेकर 1921 तक जो है दामोदर सावरकर को यहाँ रखा गया था इस जेल में। हम जो है सिर्फ 2 मिनट यहाँ पर हैं, और 2 मिनट में पसीने से तरबतर हो चुके हैं, सोचिए कोई व्यक्ति 10 साल तक कैसे इस काल कोठरी में रह सकता है। बिल्कुल सच है कि जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, उसका ये परिणाम है कि हमारे जो है आज़ाद हिंदुस्तान में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आपको पता है यहाँ उनके भाई भी थे कई सालों तक, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि उनके भाई यहाँ पर है, क्योंकि दोनों अलग अलग विंग में थे, और दोनों को कई सालों तक नहीं पता था कि दोनों भाई एक ही जेल में है, और उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। आज हम जिस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं वो ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का परिणाम है। यहाँ से फैक्ट्री आपकी या बाथरूम है?
फैक्ट्री बाथरूम घर के बीच में, ये फोल्डिंग ब्रिज है, सारे काम एंटी क्लॉक देख रहा टॉप देख रहा हूँ। जेल बनने को 10 साल लगा है, स्टार्ट किया काम 1883 में और 1906 में कंप्लीट कर दिया। पूरा जेल बनाया तो सीमेंट नहीं था, नो सीमेंट, वो टेक्निक है क्या बोलते हैं गारा बोलते हैं, लाइन फ्रॉम कोरन उड़कदार गोल लाल मट्टी उससे जेल बनाया। पीछे के चार फूट गए, तीन ब्लॉक बचे हैं, हम जाएंगे टावर में जाएंगे, इससे अंडमान का व्यू मिलेगा आपको, उसके बाद आप देखना है तो आखिरी तक नबीर साहब का जी का है वो देखेंगे, आप लोग फ्री कर देंगे। अभी आप जैसे वॉक कर रहे हैं, वॉक को हमें बोलते हैं वॉक इन द हिस्ट्री, इज कॉल्ड हेरिटेज वॉक। किसी को बाथरूम जाना, कैदी को बाथरूम जाने के लिए यहाँ पे कैदी आएगा, आने के बाद वॉशरूम जाएगा, चेकिंग अपने कमरे में जाएगा, यहाँ से कैदी को बाबा फिश ऑफरिंग कर देंगे, पता नहीं पड़ा कौन कहाँ पर पहुँच जाएंगे। सही सेकेंड फ्लोर सेलुलर जेल का एक नमूना है और इसमें एक दो तीन चार पाँच छः विंग्स हैं, जिसमें से शायद तीन ही विंग्स बचे हैं और बाकी सब है, जहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पे कैदी आए थे, जितने भी राज्य से, उनके नाम और वो किस सन पे आए थे वो दर्ज हुआ है उनके नाम के साथ। और ये सबसे पहले जिसमें पंजाब के कैदियों के नाम हैं और ये दूसरे वाले में भी पंजाब हैं, इसमें है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कैदी है वो बंगाल से आए हुए थे, बंगाल के कैदियों की दर्ज संख्या इसमें दी हुई है। और ये 13 नंबर और ये नीचे महाराष्ट्र के कैदी थे, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर का नाम। है जहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है, एक बार में तकरीबन 350 से 400 लोग यहाँ बैठते हैं और लाइट एंड साउंड शो देखकर इस जेल में जो भी घटनाएं हुई हैं उससे रूबरू होते हैं। वहाँ सामने और चारों तरफ जितने भी सेल्स हैं वहाँ पे लाइट्स लगी हुई है और लाइट्स के थ्रू ही, साउंड के थ्रू ही एक चीज़ों को बताया।